मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा में सियासी रहनुमाओं के एक दूसरे पर तनकीदी वार। माहरीन का कहना है कि कनाडा में रवां साल इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं, मौजूदा साल कैनेडियन शहरियों के लिए मुश्किल साल होगा। कनाडा के शहर टोरंटो में शदीद बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। पीर की रात दर्जा हरारत -11 तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की शिद्दत आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेगी। दाइश के अरकान के अहले खाना की कनाडा वापसी का मंसूबा। कनाडा में आबाद यजीदियों में तश्वीश की लहर। यजीदी बिरादरी का कहना है कि हमारी नस्ल कुशी में मुलविस अफराद को कनाडा लाना अफसोसनाक है। अमेरिका के दिवालिया होने का खदशा। सदर और ओपोजिशन सर जोड़कर बैठने को तैयार। ओपोजिशन जमात से ताल्लुक रखने वाले स्पीकर ने सदर जो बाइडन से मुलाकात का अंदिया दे दिया। स्पीकर केवन मैककार्थी का कहना था कि अमेरिका अपने कौमी कर्जों में डिफॉल्ट नहीं करेगा। प्यूतन ने मुझे मिसाइल से मारने की धमकी दी थी, बोरिस जॉनसन का दावा। साबिक बरतानवी वजीर आजम का कहना है कि प्यूतन को खबरदार किया था कि यूक्रेन पर हमला तबाहकुन होगा। रूसी फौजी कार्रवाई को रोकने की भी कोशिश की थी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा में वफाकी सियासी रहनुमा हालिया हफ्तों में एक दूसरे पर तंज करने के लिए कुछ गर्म इंतखाबी तर्ज की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम सियासी पंडितों का कहना है कि इस बात का इम्कान नहीं है कि कैनेडियन 2023 में इंतखाबात में जाएंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा में वफाकी सियासी रहनुमा हालिया हफ्तों में एक दूसरे पर तंज करने के लिए कुछ गर्म इंतखाबी तर्ज की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। पंडितों का कहना है कि इस बात का इम्कान नहीं है कि कैनेडियन 2023 में इंतखाबात में जाएंगे। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो 6 हफ्ते के पार्लिमानी वक्फे के दौरान सरगर्म थे। उन्होंने अपनी हुकूमत की कामयाबियों पर बात करने के लिए सास्काटून, विंडसर और क्यूबेक के शहरों में क्याम किया। इस दौरान उन्होंने अपने ये सियासी हरीफ पियर पॉलिवर को खूब तनकीद का निशाना बनाया, जिन्होंने ये दावा किया था। उसने कभी कभार कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलिवर पर भी गोलियां चलाईं और उनके हालिया दावे के कनाडा में सब कुछ टूट गया। सियासी माहिरीन का कहना है कि वो नहीं सोचते कि हालिया पोजीशन के बावजूद कोई भी लीडर अभी इलेक्शन के बारे में सोच रहा है। रवां साल इंतखाबात का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो ये एक यादगार लम्हा होगा। उन्होंने कहा कि लिबरल्स इस साल मौशी सुस्तरवि के खतरे जो हुकूमत के सर पर लटक रहे हैं के साथ नया मैंडेट हासिल करने का इम्कान नहीं रखते। हमारे पास इस साल इलेक्शन सिर्फ उस सूरत में होंगे जब जस्टिन ट्रूडो ने देखा कि उनके लिए जीतने के हालात मौजूद हैं। माहिरीन का कहना है कि कंजर्वेटिव अब भी मईशत को लिबरल्स के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और खुद को हुकूमत में इंतजार करने वाले के तौर पर पोजीशन में रखेंगे। 2023 का सबसे बड़ा मसला जिंदगी गुजारने की लागत का है, एक मुमकिन कसाद बाजारी, और ये गालिबन कंजर्वेटिव के लिए अहम महवर होगा। कंजर्वेटिव पार्टी ही वाहिद पार्टी है इस साल इलेक्शन चाहते हैं। सियासी पंडितों का कहना है कि लोगों की जिंदगी के लिए गुजारने की लागत और अशिया खुर्दनोश के साथ हम अगले साल में बहुत ज्यादा घुमाव फिराव देखने जा रहे हैं, खास तौर पर इकतसादी चैलेंजेस के इर्द गिर्द।
कनाडा के शहर टोरंटो में इतवार के रोज़ होने वाली बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। पीर के रोज़ दिन के औकात में मनफी एक रहने वाला दर्जा हरारत रात में मनफी 11 तक जा सकता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में इतवार के रोज़ होने वाली बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। पीर के रोज़ दिन के औकात में मनफी एक रहने वाला दर्जा हरारत रात में मनफी 11 तक जा सकता है। माहरीन मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में इंतहाई सर्द और मिस शहर में आने वाले दिनों तक जारी रहने का इम्कान है। इन्वायरमेंट कनाडा की जानिब से इतवार की सुबह सवेरे डिफ्रेन, एनिसफेल, ग्रे ब्रॉस और हॉल्टन पील के लिए बर्फ़ की वार्निंग नाफिज की गई, जिसमें खबरदार किया कि बर्फबारी बास औकात भारी होगी और इतवार भर जारी रहेगी। मौसमियाती एजेंसी ने दिन के दौरान 5 से 10 सेंटीमीटर के दरमियान इजाफी बर्फबारी की पेशगोई की है। माहरीन मौसमियात का कहना है कि बर्फबारी जिसकी पेशगोई ओंटेरियो के बेशतर जुनूबी हिस्सों में की गई है हफ्ते के आखिर तक जारी रह सकती है। पीर के सुबह हल्की बर्फबारी के सबब शहरियों को दौरान सफर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दाइश के मुबैना अरकान की कनाडा वापसी उन लोगों के लिए सदमा, परेशानी और खौफ का सबब बन रही है जिन्हें दाइश से बचाकर कनाडा में आबाद किया गया था। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। दाइश के मुबैना अरकान की कनाडा वापसी उन लोगों के लिए सदमा और परेशानी खौफ का सबब बन रही है जिन्हें शुमाली इराक में दहशतगर्द गिरोह की जानिब से उनकी कदीम कम्यूनिटी को तबाह करने के बाद महफूज पनागाह के तौर पर कनाडा में मदऊ किया गया था। कैनेडियन यजीदी एसोसिएशन की सदर ने कहा कि यजीदी बिरादरी कनाडा की शुक्रगुजार हैं जहां बहुत से लोग विनीपेग में आबाद हैं। उन्होंने कहा कनाडा यजीदियों की हालत ज़ार पर रद्द अमल देने वाले पहले ममालिक में से एक था और वो इससे ज़्यादा खुश और शुक्रगुजार नहीं हो सकते कि वो कनाडा जैसे मुल्क में आएंगे जहाँ वो खुद को महफूज महसूस कर सकेंगे, एक ऐसे मुल्क में जो आज़ादी, हुकूक, इंसाफ, एहतसाब के उन तमाम अजीम इकदार के लिए खड़ा है और ये सब चीज़ें यजीदी बिरादरी देखना चाहती है। हमने अपने ख़ानदान के अफराद के साथ दोबारा इत्तेहाद के लिए दरख्वास्तें जमा कराई हैं जो दाइश की क़ैद में थे और यहाँ वो नस्लकुशी के उन जराइम के मुर्तकिब अफराद को कनाडा ला रहे हैं और वो ज़्यादातर मामलात में जानते हैं कि उन लोगों को मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबूत यहाँ नहीं है और गवाह यहाँ नहीं है। वो नस्लकुशी और दहशतगर्दी में अपने किरदार के लिए मुफ्त पास दे रहे हैं। ये वाकई मायूस कुन है, ना सिर्फ यजीदी बिरादरी के लोगों के लिए बल्कि पूरे कनाडा के लिए जो लिबरल इकदार पर यकीन रखते हैं और ये कि हमें एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जो मुतासरीन और बच जाने वालों के लिए खड़ा हो। यजीदी नस्लकुशी के 1200 जिंदा बच जाने वालों में से एक जिन्हें कनाडा में दोबारा आबाद किया गया था का कहना था कि जब मैंने पहली बार ये खबर सुनी तो मैंने महसूस किया कि मेरे जिस्म से ताकत निकल गई है। यजीदी शुमाली इराक में कदीम कुर्द बोलने वाली काश्तकारी बिरादरी के अरकान हैं जो अपने तौहीदी मजहब पर अमल पैरा हैं। वो बुनियाद परस्त दहशतगर्द गिरोह के हाथों 21वीं सदी के बदतरीन मजालिम का शिकार हुए जो 3 अगस्त 2014 को शुरू की गई एक वहशियाना मुहिम में यजीदी लोगों को ख़त्म करने के लिए निकला था। इस माह के शुरू में वफाकी हुकूमत ने शुमाल मशरकी शाम से 19 कैनेडियन खवातीन और बच्चों को वतन वापस भेजने पर इत्तेफाक किया जहां उन्हें दाइश के मुश्तबा अरकान और उनके अहल खाना के लिए कुर्दों के ज़ेर इंतज़ाम हिरासती कैंपों में रखा गया है। कर्जों के बोझ तले दबे अमरीका के दिवालिया कर जाने के खदशात बढ़ गए हैं जिस पर ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर सदर जो बाइडन से मुलाकात के लिए राजी हो गए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कर्जों के बोझ तले दबे अमरीका के दिवालिया कर जाने के खदशात बढ़ गए हैं जिस पर ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर सदर जो बाइडन से मुलाकात के लिए राजी हो गए। व्हाइट हाउस तर्जुमान का कहना है कि कर्ज की हद बढ़ाना मुल्क की जिम्मेदारी है ताकि इक्तिसादी बहरान से बचा जा सके। अमरीका को दिवालिया होने से बचाने के लिए अपोजिशन रिपब्लिकन पार्टी भी सदर बाइडन के साथ सर जोड़कर बैठने पर तैयार हो गई। ऐवान के स्पीकर क्योन मैकार्थी ने सदर बाइडन से बुध को मुलाकात पर आमादगी जाहिर कर दी। क्योन मैकार्थी का कहना है कि सदर बाइडन को कर्ज की हद बढ़ाने के बदले अखराजात में कटौती का सोचना होगा। गैर मुतवक्के होने वाली मुलाकात के हवाले से नामुंतखब स्पीकर ने टीवी टॉक शो में बताया कि वो बुध को सदर जो बाइडन से मुलाकात करेंगे जिसमें मुल्क के दिवालिया हो जाने के खदशात और हुकूमती खराजात में कमी पर मुज़ाकरात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में हुकूमती और अपोजिशन अरकान की तादाद कमोबेश बराबर होने के बाइस कई बार वोटिंग के नतीजे में बमुश्किल तमाम स्पीकर मुंतखब होने वाले क्योन मैकार्थी ने बिलाखिर सदर जो बाइडन से मुलाकात का फैसला कर लिया। ख्याल रहे कि हुकूमती अखराजात को पूरा करने के लिए मजीद कर्ज लेने की मंजूरी ऐवान नुमाइंदगान से लेना होती है जहां अक्सरियत अपोजिशन जमात की है जिसके स्पीकर ट्रंप की जमात के रुकन
क्यों मैकार्थी थे और अपने इंतखाब के बाद से सदर जो बाइडन से मिलने से गुरेज कर रहे थे। स्पीकर क्यों मैकार्थी का मजीद कहना था कि अमेरिका अपने कौमी कर्जों में डिफॉल्ट नहीं करेगा, तहम हुकूमती अखराजात जो जून में 31.4 ट्रिलियन डॉलर के अखराजात की हद तक पहुँच गए हैं, जो बाइडन इंतजामिया को इसमें इजाफा ना करने की यकीन दहानी कराना होगी। ट्रंप की जमात से ताल्लुक़ रखने वाले स्पीकर ने खबरदार किया कि हुकूमत अपने अखराजात की मद में सालाना जमा किए गए टैक्स से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती, इसी तरह कर्जों की हद को भी मुकर्रर करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब सदर जो बाइडन और उनकी जमात डेमोक्रेट्स के अरकान मुस्तकबिल के अखराजात से मुंसलिक कर्ज की हद को बढ़ाने की मंजूरी चाहते हैं, लेकिन ऐवान नुमाइंदगान में हुकूमती अरकान के मुकाबले में अपोजिशन जमात रिपब्लिकन्स के 10 अरकान ज्यादा हैं। अददी अक्सरियत की बुनियाद पर अपोजिशन जमात ने सालाना खसारे को रोकने के लिए नए अखराजात पर हद लगाने का मुतालबा किया है, जो कि सालाना 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा होते हैं। साबिक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने इंकशाफ किया है कि यूक्रेन पर रूस के हमले से कबल रूसी सदर व्लादिमिर पुतिन ने उन्हें एक गैर मामूली फोन कॉल पर मिसाइल हमले की धमकी दी थी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। साबिक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने इंकशाफ किया है कि यूक्रेन पर रूस के हमले से कबल रूसी सदर व्लादिमिर पुतिन ने उन्हें एक गैर मामूली फोन कॉल में मिसाइल हमले की धमकी दी थी। बैन अलावा मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बोरिस जॉनसन ने रूसी रहनुमा पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उन्होंने मुझसे फरवरी को कीव के दौरे के बाद होने वाले एक गैर मामूली गुफ्तगू में कहा था कि मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन एक मिसाइल के साथ ऐसा करने में सिर्फ एक मिनट लगेगा। जॉनसन ने पुतिन को खबरदार किया कि यूक्रेन पर हमला करने से मगरबी पाबंदियां लग जाएंगी और रूस की सरहदों पर नेटो के मजीद फौजी होंगे। उन्होंने पुतिन को ये कहकर रूसी फौजी कार्रवाई को रोकने की भी कोशिश की कि यूक्रेन मुस्तकबिल के लिए नेटो में शामिल नहीं होगा। बोरिस जॉनसन, जो कि रूस के हमले के यूक्रेन पर हमले के चंद महीनों बाद ही यूक्रेन के सदर व्लादिमिर ज़ेलेंस्की के इंतजामिया के अहम हिमायती हैं, उन्होंने ये दावा बरतानवी नशरियाती इदारे की एक नई सीरीज में किया, जिसमें ये दिखाया गया है कि जंग से पहले के सालों में मगरबी दुनिया ने रूसी रहनुमा के साथ किस तरह जोड़ तोड़ की। साबिक बरतानवी वजीर आजम ने इस सीरीज में यह भी बताया कि जब वो कीव के दौरे पर गए तो उन्होंने मिस्टर पुतिन को खबरदार किया था कि यूक्रेन पर हमला तबाहकुन होगा और अगर उन्होंने ऐसा किया तो रूस पर मगरबी ममालिक की जानिब से सख्त पाबंदियां आयद होंगी। उन्होंने बताया कि मैंने पुतिन को जवाब दिया कि आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि यूक्रेन मुस्तकबिल करीब में नेटो में शामिल नहीं होगा। उन्होंने ये भी बताया कि मैंने पुतिन को बताया था कि इस कशीदगी से सिर्फ मगरबी ममालिक की यूक्रेन के लिए हिमायत में इजाफा होगा, यानी रूस की सरहदों पर नेटो की तादाद कम नहीं होगी। इस हवाले से बोरिस जॉनसन ने पुतिन के साथ होने वाली एक टेलीफोनिक गुफ्तगू के बारे में बताया कि पुतिन ने मुझसे कॉल पर पूछा कि आपने कहा था कि यूक्रेन जल्दी नेटो में शामिल नहीं होने वाला, तो यहाँ जल्दी से आपका क्या मतलब है। उन्होंने मजीद बताया कि पुतिन ने एक नुक्ते पर मुझे धमकी दी और कहा, बोरिस ने आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मिसाइल से ऐसा करने में सिर्फ एक मिनट लगेगा। बोरिस जॉनसन ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा कि मैं समझता हूं कि वो जिस तरह इस वक्त मुझसे बहुत पुरसकून लहजे में मुझसे बात कर रहे थे, उससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि वो सिर्फ मेरी उन कोशिशों के साथ खेल रहे थे जो कि मैं उनसे जोड़ तोड़ करने के लिए कर रहा था। टैग टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।